हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो के अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से बच्चों आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक आपके साथ लेकर आया हूं मैं। नाम तो जाना ही होगा आपने मेरा। बेहतरीन टॉपिक है बच्चों जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रक्षेप्य गति है, जो कि आपका जो चैप्टर नंबर 4 NCERT वहाँ का एक खूबसूरत सा टॉपिक है सर। और यहाँ से बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। इन प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको फील कराने के लिए मैं आपके सामने एक बेहतरीन तरीके से आपको फील कराने आया हूं। तो बच्चों कंप्लीट देखिएगा और मजा आएगा। और फिर इसके बिहाव पर आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को प्रोजेक्टाइल मोशन से आप रिलेटेड आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे, इतनी गारंटी है आप। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बच्चों बात को। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो सेंस है वो प्रोजेक्टाइल मोशन 2 टाइप्स का होता है। और हम फर्स्टली बात कर रहे हैं सर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन की। कुछ बातें तो बड़ी बेसिक हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिनसे आधे से ज्यादा बातें जो हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन में फिनिश हो जाती है। उसमें नंबर 1 बात बच्चों ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी एक साथ 2 दिशाओं में चलती है, और जब एक साथ 2 दिशाओं में चलती है बच्चों तो उस मोशन को कहा जाता है, उस गति को बोला जाता है द्विविमीय गति, जिसमें वस्तु एक ही साथ 2 दिशाओं में चलती है। समझ पा रहे हैं सर, द्विविमीय गति है सर। गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, जिन्होंने इसके बारे में बताया था। तो ये सब बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा सर और भी इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊं तो सर प्रक्षेप्य गति एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ग्रेविटी यानी गुरुत्व का भी अंतर्गत वर्क होता है। तो गुरुत्व के अंतर्गत गति है सर, जिसमें गुरुत्व जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में बल भी लगाता है वस्तु पर। और इस टाइप की बहुत सारी बातें हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से फील करते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखो कितनी सिंपल सिंपल सी बातें होती हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक एक्सिस हो गया और ये हमारे पास दूसरा अक्ष हो गया। सर ये तो एक्स अक्ष हो गया सर, और ये हमारे पास वाई अक्ष हो गया है, ठीक है। अब ये हो गया एक पॉइंट हो गया जहाँ से हमने इसको फेंकना है वस्तु को। अब इसके बाद बड़ी प्यारी सी कहानी होती है, इसका जो मार्ग होता है वो कुछ इस तरीके से रहता है सर। यहाँ से जब हम इसको फेंकते हैं सर तो यू वेग दे देंगे अपन इसको, और कोण बनाएंगे थीटा। ये क्षैतिज दिशा हो गई है सर, ये ऊर्ध्वाधर दिशा हो गई है। यहाँ पर क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनेगा वो यू कॉस थीटा बनेगा, और जो यहाँ पर जो घटक बनेगा इसका वो यू साइन थीटा बनेगा। बच्चों बहुत अच्छी बातें हैं, यू कॉस थीटा को क्षैतिज घटक बोला जाएगा और यू साइन थीटा को ऊर्ध्वाधर घटक बोला जाएगा। बच्चों उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कुछ यहाँ पर इस तरीके से रहने वाली हैं कि सर पूरी प्रक्षेप्य गति के दौरान वस्तु पर क्षैतिज दिशा में यानी एक्स दिशा में कोई त्वरण नहीं लगेगा। इसलिए क्षैतिज वेग जो है, जो कि यू कॉस थीटा के नाम से बन जाना जा रहा है, वो सर कैसा रहने वाला है सर, नियत रहने वाला है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सब बातें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी वाई दिशा में, तो वहाँ त्वरण लगने वाला है माइनस का जी, क्योंकि नीचे की तरफ होगा, और ये भी यहाँ पर नियत रहेगा, इसमें भी कोई परिवर्तन सर नहीं होगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है। प्रक्षेप्य गति में क्या क्या नियत रहता है, तो क्षैतिज दिशा में वेग नियत रहता है और ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण नियत रहता है। क्षैतिज दिशा में त्वरण क्या होता है सर, जब वेग नियत है तो त्वरण तो जीरो हो ही जाएगा ना, ऑब्वियसली। बच्चों इस तरीके की बातें आपको ध्यान रखनी है, रख पाएंगे बच्चों। इसके बाद सर अगर हम बात करते हैं आगे, तो जो यू कॉस थीटा है क्षैतिज वेग, वो तो हर जगह यह समान समान रहेगा, ये उच्चतम बिंदु हो गया है मेरे बच्चों। और यहाँ भी ये जो वेग है यू कॉस थीटा ही रहने वाला है, ये महत्तम ऊंचाई हो चुकी है, और ये मान लो उच्चतम बिंदु बी है, और ये वापस टकराने वाला बिंदु सी है। सर ए से सी तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं सर क्षैतिज परास, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये महत्तम ऊंचाई एच होती है, और इस टाइप की सारी बातों को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, जिससे किसी भी टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जाए तो आप चुप ना बैठ पाए, ठीक है। अब इसके बाद प्रक्षेप गति में और भी बातें बनाते हैं सर। बात यह है कि एक तो इसमें हमने बोला है कि प्रक्षेपण बिंदु, प्रक्षेपण बिंदु कौन सा होता है सर,
प्रक्षेपण बिंदु वो है जहां से हम फेंक रहे हैं उसको, और वो यहाँ पर ए है, और वहां से अगर हम बात करते हैं उच्चतम बिंदु, उच्चतम बिंदु की बात करते हैं सर, और उच्चतम बिंदु जो है सर वो यहाँ पर आपके लिए बी है। तो उच्चतम बिंदु बी तक की बात करने वाले हैं आपके साथ। तो बड़ी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ हो रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं सर, तो सबसे पहले तो आपका यू कॉस थीटा जो है, जो नियत था, वो हमेशा नियत ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी वाली बात सर, यू जो है साइन थीटा, वो यहाँ तो ऊर्ध्वाधर था, और ऊपर जाने पर उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और बेटा इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, बात करते हैं के की, तो के जो उच्चतम बिंदु पर होगी ना, के उच्चतम बिंदु पर जो के होगी, वो बेटा के जो प्रारंभिक बिंदु पर होगी ना, जहाँ से फेंका है उस वाले बिंदु पर जो के होगी ना बेटा, उसमें मल्टीप्लाई करवाएगी वो किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। और इस तरीके की बातें बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने फील कराई जा सकती हैं। आपको ये वाली बातें ध्यान भी रखनी है सर। इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर इस के को क्या बोला जा रहा है बच्चों, गतिज ऊर्जा बोला जा रहा है। जैसा कि आपको पता ही है, मान लो अगर आपने यहाँ से किसी वस्तु को के गतिज ऊर्जा से फेंका है, तो उच्चतम बिंदु पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, के कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है सर। और इस प्रकार की बातों से फिर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला तो नहीं है। अच्छा बच्चों, एक और बात होती है, जब गतिज ऊर्जा की बात आती है तो पी की बात कर लेते हैं। उच्चतम बिंदु पर बराबर पी जो है वो प्रारंभिक बिंदु पर हो, इनटू कॉस, कॉस नहीं आएगा सर, यहां पर आपके लिए साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ये वाली बात है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको भी पता है सर, और भी बातें आपके सामने हैं कि ये तो हो गया हमारे पास गतिज ऊर्जा, और ये पी क्या है सर, यहाँ पर संवेग ना समझ लेना सर, ये है यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। कर पाएंगे आप लोग ऐसी बातें, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बेटा। अब इसके बाद और बातें करते हैं आपके साथ, तो कुछ और भी बेसिक बातें हैं। ये सारी बातें यहाँ पर हो गई हैं, कुछ और भी अच्छी अच्छी बातें आपके सामने आने वाली हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि प्रक्षेपण के टी समय बाद जो हमने फेंका है वस्तु को, उसका वेग क्या होगा सर। तो सर वेग v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर यहां पर, v वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt, और ये क्या हो जाएगा सर हमारे पास j कैप। ये हमने इसको लिख लिया है बेटा, वेग के बारे में लिख लिया है यार। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सर और भी बातें आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल सर। इसके अलावा सर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब वस्तु उच्चतम बिंदु पर हो, तब उच्चतम बिंदु पर हो तब क्या क्या होगा सर। उच्चतम बिंदु पर आपके लिए नंबर ए तो ये है कि वेग
तथा त्वरण परस्पर लंबवत होंगे। क्यों ऐसा होगा सर? बिल्कुल अच्छे तरीके से फील कराएंगे। ये देखो, ये उच्चतम बिंदु है, यहां पर वेग के नाम पर u cos थीटा है सर, और त्वरण के नाम पर सर ये है g आपके पास ही है, और दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का है बच्चों? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के कोण वाली कोई तो हम बोलते हैं सर आपके लिए क्या, इसी को तो परस्पर लंबवत बोला जाता है। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। क्लियर है? हाँ बच्चों, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। अब इसके बाद और भी बातें आपके सामने करने वाले हैं, ये सब इम्पोर्टेंट बातें ही आपके साथ चलती जा रही हैं सर। कुछ और भी बातें हैं इम्पोर्टेंट ही आपके लिए, वो भी सब हम करने वाले हैं। हाँ बच्चों, तो एक तो ये हो गया, वेग तथा त्वरण आपस में परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे। नंबर बी अगर हम बात करें बेटा, तो यहां पर आपके लिए जो वेग होगा वो केवल किस दिशा में होगा सर? केवल क्षैतिज दिशा में होगा। ठीक है, तो ये सब बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। प्रक्षेप गति से रिलेटेड बेसिक बातें मैंने आपको सारी बता दी हैं, जिन पर आपको बहुत अच्छे से फोकस भी करना है। ठीक है बेटा, अभी हम और भी बात करने वाले हैं सर। अब क्या बात करने वाले हो सर? बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट बात आती है सर इसमें, जो क्वेश्चन होता है वो ये है कि प्रक्षेप का पथ, प्रक्षेप का पथ होता है सर परवलयाकार। परवलयाकार होता है इसका प्रक्षेप का पथ। अब इसके बाद में बात करने वाले हैं हम और भी बेसिक तरीके, कि जैसे सबसे पहले तो अगर हम बात करें क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में चली दूरी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? क्षैतिज वेग इनटू समय टी। क्षैतिज दिशा में चली दूरी को एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्षैतिज वेग यू कॉस थीटा इनटू टी। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। और ये हो गया सर समीकरण नंबर एक। अब हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए। ऊर्ध्वाधर दिशा में वाई अक्ष को ही मान रहे हैं अपन यहां पर, है ना? दिशा में एक्स अक्ष के लिए तो बेटा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास समीकरण क्या होता है उस हिसाब से, वो तो होता है एस वाई इज इक्वल्स टू यू बाई टी प्लस वन बाई टू ए बाई टी टी स्क्वायर। ये होता है। अब एस वाई तो वाई हो चुका है हमारे पास, वाई हो चुका है। यू बाई सर यू साइन थीटा हो चुका है इंटू माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर। ये बात ये हमने यहां पर आपके सामने फील कराया। अब दूसरी बात ये आने वाली है सर यहां से कि वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू, सर आपको भी पता है टी की वैल्यू क्या निकाल ली थी? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, x अपॉन u cos थीटा।
माइनस हाफ जी, पी स्क्वायर की जगह लिखेंगे सर एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सर यू से यू कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये जो समीकरण है ना, यह है परवलय का है, परवलय होता है ना गणित में मैथमेटिक्स में हम पढ़ते, तो सर ये परवलय का समीकरण है आपके पास, और इसी से हम ये बात कह सकते हैं कि अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। क्लास 11th का ये बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, और कितने अच्छे तरीके से हम आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं, सीख रहे हो सर। इसके अलावा बच्चों इसी का एक और रिश्ता वही सोच नहीं, यहां से एक और एडवांस्ड वर्जन आ जाता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर। तो सर ये जो हमने सीख लिया है यहां पर, ये r जो है सर यहाँ पर मैंने जैसे अभी आपको बताया, ये है क्षैतिज दिशा में प्रक्षेप्य द्वारा चली गई दूरी, जिसको क्षैतिज परास के नाम से जाना है। तो एक तो आपको ये वाले समीकरण दो याद रखने हैं, इनके इनसे कॉम्बिनेशन करके, मतलब इनसे तुलना तुलना खेल कर क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन दे रखा होगा समीकरण, उसको कंपेरिजन करना होगा और वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेगा। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना, इसके अलावा अब आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं, जैसे उड़ान काल, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं इसको, उड़ान काल कैपिटल टी, वस्तु कितने देर हवा में रही, वस्तु के ऊपर से नीचे तक आने का समय, और ये होता है सर 2u sin θ / g, u sin थीटा अपॉन जी जाना और u sin थीटा अपॉन जी आना। फिर सर इसके बाद होता है हमारे पास महत्तम ऊंचाई, h इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g, या इसको बोल सकते हैं u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और तीसरी वाली बात क्या है सर, क्षैतिज परास, u स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी, ये क्षैतिज परास। तीन फॉर्मूले हैं सर, बस इन्हीं पर ब्याह कर सारी बातें निकल जाती हैं। ये जो हमारे पास है इसको हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, 2 into ux यानी क्षैतिज वेग, uy यानी ऊर्ध्वाधर वेग अपॉन जी, ये भी हो जाता है, समझ पा रहे हैं। ये वाला जो है इसको और बना लेते हैं u sin थीटा को, तो 2 uy अपॉन जी, कोई कैसे भी पूछ ले फिर हमसे, हम किसी भी तरीके से देने के लिए आंसर तैयार रहते हैं। ये जो क्षैतिज परास बच्चों है, इससे थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं हम, और मजा आएगा आपको अच्छे से। वो बात क्या है बच्चों इससे, कि जैसे हमने लिखा है यहाँ पर r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी, तो पहली बात तो यहां से ये है कि अगर आपने थीटा को 45 डिग्री रखा है तो साइन 45 इंटू 2 साइन 91 हो जाएगा, तो ये परास अधिकतम हो जाएगी सर आपके पास।
और आर अधिकतम की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये वाली बात। दूसरी वाली बात क्या है सर, कि जैसे मान लो दो बॉडी है हमारे पास, एक U1 है और एक U2 है, दोनों का सेम है, एक थीटा है और दूसरा कोण क्या है सर 90 माइनस थीटा। तो उस कंडीशन में बच्चों इसकी परास और इसकी परास दोनों आपस में कैसी होती हैं, समान। मतलब बड़ा सिंपल सा एंग वो चक्कर है, देखो यहाँ पर तुम थीटा रखोगे तो भी साइन 2 थीटा ही रहेगा, और यह 90 माइनस थीटा रखोगे तो 2 है ना आगे, 2 90 माइनस थीटा, तो इसे 180 माइनस 2 थीटा, और इस दूसरे क्वाड्रेंट में 180 माइनस 2 थीटा भी साइन 2 थीटा ही बन जाता है बच्चों। तो ये वाली बात कर पाएंगे आप ऐसी बातें, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है सर। अच्छा वेरी गुड। इसके बाद बच्चों एक होता है इन दोनों में रिलेशन, जैसे आर रतन थीटा बराबर 4H, H में और R में रिश्ता है। अगर थीटा की वैल्यू होती है 45 डिग्री तो R तो अधिकतम हो जाती है बच्चों फिर, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, वो 4H के बराबर हो। ये बात कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आराम से कर पाएंगे ऐसी बातें भी, एनी प्रॉब्लम, गुड बच्चों। तो अब इन्हीं के व्यापार पर कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं। जैसे इस क्वेश्चन को फील करो, कितना प्यारा क्वेश्चन है कि m द्रव्यमान वाला एक निकाय है, उसको हम 36 से 30 डिग्री के कोण पर फेंक रहे हैं, और उसी द्रव्यमान वाले निकाय b को 36 से 60 डिग्री के कोण फेंक रहे हैं, तो दोनों की परास का रेशियो। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आसान से सॉल्व हो गया, एक 30 डिग्री है और एक हमारे पास 60 डिग्री है। आप बताइए कि एक थीटा है और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है 90 माइनस थीटा, और दोनों की परास क्या रहेगी बच्चों, समान रहेगी R1 बराबर R2। तो फिर दोनों की परास का अनुपात क्या हो जाएगा भैया, 1:1 हो जाएगा। और कितने प्यारे तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, बताइए कर पाएंगे ऐसी बातें आप लोग भी, बहुत सुंदर बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन, जैसे 15, 30, 45, 60 है, तो किस पर सबसे ज्यादा होगा सर, 45 डिग्री पर। जब कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो फिर क्वेश्चन को तो ऐसे टिक किया जा सकता है जैसे क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। एक वस्तु 45 डिग्री कोण पर है, 6 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी तय करती है, तो वेग की गणना करें जिसके साथ उसको फेंका गया था। तो भाई कितनी प्यारी कहानी है सर, 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया गया था और अधिकतम 6 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी तय करती है, तो H = क्या हो जाएगा सर, U² sin² 45/2g। एच का मान तो 6, 2g मतलब हो जाएगा 2 × 10 = 20 हो जाएगा, बराबर U² sin 45 / 1/2, ये भी इधर आ जाएगा सर, तो ये 40 यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा 240, और यू स्क्वायर की वैल्यू 240, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 225 जो होता है वो 15 का होता है, तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखा आपने कैलकुलेशन भी कितने आसान तरीके से सॉल्व की जाती है, ऐसे नहीं बैठे रहे उसी में लगे रहे, ऐसे तो ना होता है सर। अरे कर पा रहे हैं आप ऐसी बातें, एनी प्रॉब्लम, आई होप सो कि नो प्रॉब्लम। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन से प्रक्षेप गति एक बेहतरीन टॉपिक है, आज हमने ग्राउंड टू ग्राउंड इसको फील किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने प्रक्षेप गति के दूसरे वाले वेरिएशन को फील कराऊंगा, आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बने रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में और फ्यूलेबल कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।